लखनऊ से आपको खबर बताते हैं। सिपाही ने इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। तो सिपाही ने इंस्पेक्टर पर लगाए गंभीर आरोप, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इसके साथ ही इंस्पेक्टर पर घूसखोरी का भी आरोप लगाया है। इस्तीफा देने के लिए सिपाही ने प्रार्थना पत्र लिखा। सिपाही से बदसलूकी करने का वीडियो भी वायरल हुआ है। आपातकालीन सेवा 112 में सिपाही तैनात है। तो सिपाही से बदसलूकी करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आपातकालीन सेवा 112 में सिपाही तैनात है। सिपाही ने इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर प्रताड़ना करने का आरोप सिपाही ने लगाया है। इंस्पेक्टर पर घूसखोरी का आरोप भी लगाया है। तो सिपाही ने इंस्पेक्टर पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ घूसखोरी का आरोप लगाया है। इसके साथ ही इस्तीफा देने के लिए सिपाही ने प्रार्थना पत्र भी लिख दिया है। तो बदसलूकी का एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये सिपाही जो है आपातकालीन सेवा 112 में तैनात है। तो सिपाही ने इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नहीं है तो आप घर में फोन करके जानकारी कर लीजिए। सर हमारी छुट्टी है 3 दिन की। बोलो क्या बता रहे हो? 3 दिन की हमारी छुट्टी है, छुट्टी दे दीजिए हमको। उच्च अधिकारी से ले तो क्या बता रहे हो? क्यों आपके आप दामा ले रहे हो यहाँ? मेरी बिटिया की तबीयत खराब है सर, छुट्टी दे दीजिए। आपको जानकारी नहीं है तो आप घर में फोन करके जानकारी कर लीजिए। तो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। अभी तस्वीरों में और वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से बदसलूकी का वीडियो ये सामने आया है। सिपाही ने इंस्पेक्टर पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आर के पाल हमसे जुड़ गए हैं। आर के, लगातार सरकार ये पुलिस वालों को नसीहत देती रहती है, प्रशासन को, शासन हमेशा नसीहत देता रहता है, शासन के हमेशा जनता के साथ तहजीब से पेश आए, लेकिन यहाँ तो पुलिस के साथ ही तहजीब से पेश नहीं आ रही है। सिपाही ने आरोप लगाया है कि शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ना की जा रही है उसकी। आपको बता दें राजधानी कमिश्नरी पुलिस का पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई पुलिसकर्मी इस तरह से आरोप लगा चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन कार्रवाई करता है। लेकिन जिस तरह से दिख रहा है वीडियो में कि एक सिपाही अपने विभाग से अपने बच्चे के इलाज के लिए छुट्टी मांग रहा है, लेकिन अधिकारी उसके जो है सहपाठी वो नहीं तैयार हो रहे हैं, उसे जलील कर रहे हैं, उसे बदतमीजी से पेश कर रहे हैं। इस तरह से लगता है कि पुलिस कर्मियों की इंसानियत मर चुकी है। आपको जानकारी नहीं है तो आप घर में फोन करके जानकारी कर लीजिए। जी आर के, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।